हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 हिंदी विशिष्ट का पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 50 नंबर का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए दिया हुआ है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएँ। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। पहला, भविष्य काल के लिए सही वाक्य है। मीना नाच रही है, मीना नाच रही थी, मीना नाचेगी, मीना नाची थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका मीना नाचेगी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है। परास्त करना, खट्टा लगना, जीत जाना, मीठा लगना। तो उत्तर हो जाएगा इसका परास्त करना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, मेहनती शब्द का अर्थ होता है आलसी, चोर, परिश्रमी या कर्मण्य। तो उत्तर हो जाएगा इसका परिश्रमी। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाक्य की पूर्णता पर लगाया जाता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या फिर योजक चिन्ह। तो उत्तर हो जाएगा इसका पूर्ण विराम। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिनेश गीत गाता, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो उत्तर हो जाएगा इसका क्रिया। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहां से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, छठा क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से संज्ञा शब्द है उसका जबलपुर जाना या फिर मीठा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जबलपुर। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नदी शब्द का बहुवचन होगा नदियाँ, नदियाँ, नादियाँ या फिर नदिये। तो उत्तर हो जाएगा इसका नदियाँ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ, खून खौलना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग होगा। पतीले में खून खौल रहा है, क्या खून कभी खौलता है? अंग्रेजों को देखकर लक्ष्मीबाई का खून खौल गया, खून को खौलाकर देखना चाहिए। उत्तर देगा इसका सी नंबर, अंग्रेजों को देखकर लक्ष्मीबाई का खून खौल गया। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें विद्यालय में बाल दिवस का गठन किया जाता है समाज सुधार के लिए, जनकल्याण के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, विद्यालय को बेहतर व्यवस्थाओं के लिए। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ, छत्रपति शिवाजी पाठ के आधार पर शाहजी शिवाजी को लेकर गए थे दिल्ली दरबार, ग्वालियर दरबार, आगरा दरबार या फिर बीजापुर दरबार। तो करेक्ट हो जाएगा इसका बीजापुर दरबार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, लघुत्तरी प्रश्न 11वां नंबर, आपने साथी की मदद करने के लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, अपने साथी की मदद करने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं वह करेंगे, जिसकी जिसको उसकी मदद जिससे उसकी मदद हो जाए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आप साहस, वीरता और स्वाभिमान के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे? तो उत्तर दोस्तों इसका स्वयं कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप आसमान का गगन अंबर, फूल का पुष्प सुमन, सूरज का हो जाएगा सूर्य दिनकर। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आना का जाना, गर्म का ठंडा, अपना का पराया। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सूचना के अनेक माध्यमों से भेज सकते हैं। आज के वर्तमान युग में हम टेलीग्राफ की अपेक्षा अपने सूचनाओं को मेल, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से भेजते हैं, परंतु पोस्ट ऑफिस की भी इस संदेश में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। विज्ञान, सुमन को विज्ञान विषय बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडा, हम सदैव ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ, उन्नत खेती के लिए कोई 4 आवश्यक शर्तें लिखिए, आवश्यक बातें लिखिए। तो पहला पॉइंट दिया हुआ, उन्नत खेती के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ, धाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, तापमान भी फसलों के अनुकूल हो। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए आगे शब्दों में से अंग्रेजी भाषा के किन्हीं 3 शब्दों का चयन कर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका वेग, चंबल और स्कूल। इसके बाद दिया हुआ है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे? कोई 3 मार्के लिखिए। उत्तर दिया हुआ है, पर्यावरण से होने वाले लाभ के प्रति लोगों को जागरूक, अधिक से अधिक हल लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग ना नहीं करेंगे। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोच समझ कर स्वयं सोच कर कोई एक कहानी लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर लीजिएगा ये दिए हुए सारे क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।